लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। तेसगांव में दूल्हा दुल्हन के हेलीकॉप्टर से आने के क्षेत्र में चर्चा रही। बता दें कि दोनों की शादी 6 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद उनकी आज विदा की गई। इसके लिए दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा था। दूल्हे के पिता बलराम ठेकेदार की जिद थी कि दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ही लेकर जाएंगे और यही हुआ। मनीष बैरवा, जो बलराम ठेकेदार का पुत्र है, की शादी 6 फरवरी को मनीषा बैरवा निवासी करौली के साथ हुई। उन्हें 7 फरवरी को तेसगांव आना था, लेकिन किसी वजह से हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं हो पाया। जिद पूरी करने के लिए 8 फरवरी को जयपुर से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। तब करौली से दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर तेसगांव लेकर आया। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हेलीपैड पर लोगों की भीड़ लग गई। क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के दूल्हा दुल्हन के आने की चर्चा रही। जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को महाविद्यालय मैदान में उतारा गया था। इसके बाद सारा गांव हेलीकॉप्टर देखने और नई दुल्हन को विदा देने पहुंचा था। दुल्हन के पिता के मुताबिक नव दंपति की खुशी के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। मैदान में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी।